कहानी उस वक्त के बाद की है जब जेक सुली और नेटेरी ने पेंडोरा के बाकी नावी के साथ मिलकर धरती से आए लोगों से अपने प्लेनेट को बचाने के लिए युद्ध किया और उन्हें हराकर वापस धरती पे जाने के लिए मजबूर कर दिया। वहाँ पे वही लोग रहे जो इस प्लेनेट को बर्बाद नहीं होने देना चाहते थे। जेक को उसके साथ ही डॉक्टर ग्रेस के अवतार से पैदा हुई एक बच्ची भी मिली जिसका नाम उसने केटी रखा और उसने अपने पहले बेटे का नाम नेटेम रखा। वहाँ के सभी लोगों का मानना होता है कि हमारी जिंदगी यहाँ की देवी एवा की देन है, हमारी हर सांस इनके लिए ही समर्पित होनी चाहिए। इसी तरह जेक नेटेरी के साथ खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगा। अब उसके टोटल 4 बच्चे हो चुके थे। धरती के लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद उन्हें वहाँ पर कर्नल का बेटा मिला जो कि काफी छोटा था और क्योंकि कर्नल अब मारा जा चुका था इसीलिए उन्होंने इस बच्चे को अपने साथ ही रखकर उसकी देखभाल की। उसका नाम उन्होंने स्पाइडर रखा और वो भी जेक के बच्चों के साथ ही खेला करता था और उन्हें ही वो अपना परिवार भी मानता था, लेकिन नेटेरी के लिए वो अब भी एक एलियन ही था जो कि उसके बाकी बच्चों से हमेशा अलग ही रहेगा। जेक ने खुद अपने बच्चों को लड़ने और हथियार चलाने की कला सिखाई। वो सब अपनी जिंदगी में काफी खुश थे, लेकिन एक दिन जेक को आसमान में एक नया तारा दिखा और इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि धरती के लोग अपने स्पेसशिप से वापस पेंडोरा पर आ रहे थे, लेकिन इस बार वो कुछ ज्यादा ही तैयारी के साथ आए थे क्योंकि उन्होंने अपनी पिछली हार से बहुत कुछ सीखा था और एक बार फिर से उन्होंने सब कुछ बर्बाद करना शुरू कर दिया। और इसके बाद हम वहाँ के लैब में एक अवतार को जागते हुए देखते हैं और ये अवतार कोई और नहीं बल्कि उसी कर्नल का होता है जिसे नेटेरी ने इसके पहले वाले पार्ट में मार डाला था। उसमें कर्नल की सारी यादों को एक इलेक्ट्रॉनिक चिप की मदद से डाल दिया गया था और इस बार उसका मकसद जेक सुली को पकड़ना था जो आए दिन पेंडोरा के बाकी नावी के साथ मिलकर वहाँ पे चल रहे उनके काम में बाधा डालता रहता था। और आज भी वो अपने लोगों के साथ मिलकर एक हथियार से भरे ट्रेन पर हमला करके सारे हथियार को लूट लेता है। वहीं हम उसके दोनों बेटों को देखते हैं, वो भी अपने डैड के साथ काम करना चाहते थे और इसीलिए वो भी वहाँ के हथियारों को लूटने चले गए। पर इसी दौरान वहाँ पे एक हवाई हमले में नेटेम घायल हो गया, लेकिन उसे कुछ हुआ नहीं और जैक उसे बचाकर घर ले आया। वहाँ पे बहुत सारे नावी एक पहाड़ों की गुफा में छुपकर रहा करते थे क्योंकि इंसानों ने वहाँ पे आकर उनके घरों को तबाह कर दिया था। वहाँ पे जैक अपने बेटे को बहुत डांट लगाता है क्योंकि उसके मना करने के बावजूद वो लोग उसके पीछे गए। अब कर्नल और उसके बाकी साथी अवतार के एक बेस पे पहुँचते हैं। वहाँ की जनरल उसे बताती है कि जैक उनके लिए आए दिन मुसीबत बनता जा रहा है और अगर वो चाहते हैं कि पेंडोरा इंसानों के रहने लायक भी बने तो उसे किसी भी हालत में जैक को पकड़ना ही होगा। इसके लिए उसकी आर्मी बहुत दिनों से कोशिश कर रही है लेकिन इन पहाड़ों में उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। कर्नल अपने साथियों के साथ उसकी तलाश करने के लिए जंगल में चला आता है और जैक के सभी बच्चे भी घूमने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। कर्नल उस जगह पे जाता है जहाँ उसकी पिछले बार नावी लोगों के साथ लड़ाई हुई थी। वहाँ उसे उसकी डेड बॉडी भी मिलती है जिसे देखकर उसकी याद ताजा हो जाती है। तब तक जैक के बच्चों की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो ये बात जाकर जैक को बता देते हैं। जैक उन्हें कोई भी हरकत करने से मना कर देता है और चुपचाप उन्हें वहाँ से निकल जाने को कहता है। वो बच्चे उसकी बात मानकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन अचानक से उसके सामने कर्नल और उसके आदमी आ जाते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। वो स्पाइडर को देखकर पहचान लेता है कि वो उसी का बेटा है। वो उन्हें अपने साथ ले जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तब तक जैक और नेटेरी भी वहाँ पहुँच चुके थे और वो दोनों छुपकर अपने हथियारों से उन पर हमला कर देते हैं और वो किसी तरह अपने बच्चों को वहाँ से भगाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन इन सब में स्पाइडर पकड़ा जाता है और कर्नल उसे उठाकर अपने साथ ही ले जाता है। जैक अब अपनी फैमिली को वहाँ से दूर ले जाना चाह रहा था क्योंकि अब स्पाइडर पकड़ा जा चुका था और उसे डर था कि वो उन लोगों को उसका पता बता देगा जिससे उसकी वजह से उनके बाकी सारे लोग भी मारे जा सकते हैं। इधर स्पाइडर को वो लोग जैक का पता जानने के लिए बहुत टॉर्चर कर रहे थे पर वो किसी भी हाल में उनके आगे झुकने को तैयार नहीं था, इसलिए कर्नल खुद अपने तरीके से उसे समझाने की कोशिश करता है। वो उसे वहाँ से बाहर निकालने का लालच देता है। इधर जैक अपने कबीले का मुखिया किसी और को बनाकर अपनी पूरी फैमिली को लेकर वहाँ से निकल जाता है जहाँ उन्हें वो इंसान कभी न ढूंढ सके। और बहुत सारे आइलैंड को पार करते हुए वो एक अनोखे आइलैंड पे पहुँचते हैं जहाँ के रहने वाले पानी और जमीन दोनों जगहों पे रहने में सक्षम थे। वहाँ के सारे लोग उन्हें देखकर वहाँ जमा हो जाते हैं। वो अपने से अलग लोग को देखकर थोड़ा हैरान भी थे। थोड़ी ही देर में वहाँ पर उनका मुखिया भी आ जाता है। जैक उनसे आग्रह करता है कि वो उसकी फैमिली को वहाँ पे रहने की इजाजत दे दे, पर वहाँ का मुखिया उससे कहता है कि वो लोग पानी में रहने वाले हैं और वो उनके साथ नहीं रह पाएंगे। लेकिन जैक का मानना था कि वो लोग जल्दी उसके तौर तरीके सीख जाएंगे और वो अपने आप को इस काबिल बना लेंगे कि वो वहाँ पे आराम से रह सके। वो मुखिया उसकी बात मान लेता है और उन्हें वहाँ रहने की इजाजत दे देता है। वो अपने बेटे और बेटी को ये जिम्मेदारी देता है कि वो उन सबको वहाँ रहने का तरीका सिखाए और उसी दिन से वो लोग उनके साथ पानी के अंदर रहने लगते हैं और वहाँ के
के क्रिएचर की सवारी करने की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। सभी को तो स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हो रही थी ज्यादा देर तक पानी के अंदर रहने में, लेकिन किटी पानी के अंदर बहुत ही आराम से रहना सीख गई थी। जैक भी वहाँ के मुखिया के साथ उन पानी में रहने वाले क्रिएचर की सवारी करने की ट्रेनिंग कर रहा था, पर उसे भी स्टार्टिंग में काफी दिक्कत हो रही थी। इधर कर्नल स्पाइडर को लेकर अपने लिए एक इकरान को चुनने आया था ताकि वो पूरी तरह से एक नावी बन जाए, और बहुत जल्द ही वो एक इकरान को अपने लिए चुन लेता है। जैक के बच्चे भी धीरे धीरे सब कुछ सीखने लगे थे। एक दिन मुखिया का बेटा अपने दोस्तों के साथ मिलकर किट्टी की हरकतों का मजाक उड़ाते हैं, जिसकी वजह से उनकी किट्टी के भाई नेटम और रॉक से लड़ाई हो जाती है। बाद में जैक अपने बेटे को समझाता है कि उन्हें वहाँ पर रहना है, इसीलिए वो उससे अच्छे से व्यवहार करेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। अगले दिन रॉक्स जाकर मुखिया के बेटे से माफी मांगता है और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पर वो उसका दोस्त बनने का नाटक करते हुए उसे लेकर वो एक जगह पर जाता है और उसे कहता है कि यहाँ पे वो लोग शिकार करते हैं। जब रॉक्स वहाँ पे शिकार करने जाता है तो वो सब उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। जैसे ही रॉक्स ने अपने तीर से वहाँ की एक मछली को मारा, वो देखता है कि उसके साथ कोई भी नहीं है, और तभी एक बड़ी सी मछली उस पर हमला करती है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा और अपने आप को एक पत्थर के बीच में छुपा लिया, लेकिन अब उसकी सांसें रुक रही थी इसलिए वो वहाँ से बाहर आने लगता है, लेकिन वो मछली फिर से उसके ऊपर झपटती है और वो जैसे ही उसे मारने वाली थी कि तभी एक बड़ी सी वेल आकर उस मछली को मार देता है। लेकिन रॉक्स की सांसें अब खत्म हो रही थी और वो डूबने लगा। थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने आप को उस वेल के ऊपर पाया। वो उस वेल को शुक्रिया करता है कि उसने उसकी जान बचाई। तभी वो देखता है कि उसके फिन में एक लोहे की हुक फंसी हुई है। वो उस हुक को वहाँ से निकाल देता है और अब ऐसा लग रहा था कि वेल उसे अपना दोस्त मानने लगा। वो उसे लेकर आइलैंड पे पहुँचा देता है जहाँ सभी लोग रॉक्स को काफी देर से ढूंढ रहे थे। मुखिया अपने बेटे को सजा देने की बात करता है, लेकिन रॉक्स कहता है कि इसमें सारी गलती उसकी खुद की ही है। इस बात से मुखिया का बेटा भी उसका दोस्त बन जाता है। अगले दिन रॉक्स सबको बता देता है कि वेल ने उसकी जान बचाई, जिसके ऊपर का एक फिन कटा हुआ था। मुखिया की बेटी उसे पहचान जाती है और वो बताती है कि उसे टूकन कहा जाता है, लेकिन जिसे उसने देखा उसका नाम पाइकॉन है, जिसे सबसे अलग अकेला कर दिया गया क्योंकि लोगों का कहना है कि वो एक हत्यारा है जिसने कई सारे नाविक को मारा है। लेकिन रॉक्स ये बात मानने को तैयार नहीं था क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। वो वहाँ से सीधा पाइकॉन से मिलने गया और उसे पूछने लगा कि तुम्हें सबसे अलग क्यों कर दिया गया। पाइकॉन उसे लेकर समुद्र की गहराइयों में चला गया। इधर कर्नल अपने साथियों के साथ जैक की खोज में था। वो बड़े से जहाज जो टुकुन का शिकार किया करते थे उनकी मदद से वो वहाँ से दूर एक आइलैंड की छानबीन करने का सोचता है, और कुछ ही देर में वो लोग उस आइलैंड पे पहुँच जाते हैं और वहाँ के लोगों को टॉर्चर करके उनसे जैक के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें कुछ बताने को तैयार नहीं था इसलिए वो उनके पूरे गाँव को ही जला देते हैं। जैक उस आइलैंड के दूसरे छोर पे रह रहा था। मुखिया उसे बताता है कि वो लोग उसे ढूंढते हुए आइलैंड तक पहुँच चुके हैं। जब गाँव वाले कर्नल को कुछ भी नहीं बताते हैं तो उसे एक आइडिया आता है और वो उनके इलाके के टुकुन का शिकार करने का डिसाइड करता है ताकि ये देखकर सारे गांव वाले उनकी ताकत को जान सके। इधर रॉक्स पाइकॉन के बारे में जानता है कि उसे सबसे अलग क्यों कर दिया गया। रॉक्स उसमें देख पाता है कि कैसे हंटर्स ने उन पर हमला किया था जिसमें कई नावी और टुकुन मारे गए, लेकिन सब ने उसे ही किलर समझ लिया। इधर वो हंटर अपने आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करके बड़े से टुकुन को बड़े ही आसानी से मार डालता है और उसे मारकर उसके अंदर से कोई फ्लूइड बाहर निकालते हैं जिसके इस्तेमाल से इंसान की उम्र बढ़ती नहीं थी और इसीलिए वो काफी महंगा भी बिकता था। वो लोग उस टुकुन की लाश को उस आइलैंड के पास फेंक देते हैं, जिसे देखकर वहाँ के लोग काफी दुखी होते हैं क्योंकि वहाँ के रहने वाले सभी जानवर उनके परिवार के एक हिस्से की तरह थे। वो सब गुस्से में अब उन इंसानों से लड़ने का डिसाइड करते हैं, लेकिन जैक उन सबको समझाता है कि वो उनसे लड़कर जीत नहीं सकते क्योंकि उनके पास उनके कई आधुनिक हथियार हैं। रॉक्स को पाइकॉन की चिंता हो रही थी इसलिए वो उससे मिलने के लिए जाने लगा, लेकिन उसके भाई बहन उसे कहीं जाने से मना कर रहे थे और वो सब उसके पीछे जाने लगे। रॉक्स ने देखा कि पाइकॉन को एक तीर लगी हुई है। वो सब जल्दी से जाकर उस तीर को निकालने की कोशिश करने लगे और तभी उन्होंने देखा कि हंटर्स की शिप उनकी तरफ आ रही है। रॉक्स जल्दी से सारी बात जैक को बताता है। जैक सभी को लेकर उनकी ओर निकल पड़ता है। बहुत मुश्किल से वो सब पाइकॉन के शरीर से वो तीर निकाल पाते हैं, लेकिन अब वो हंटर्स उन सब के पीछे पड़ गए थे क्योंकि कर्नल उन्हें पकड़कर जैक तक पहुंच सकता था। वो सब भागने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो उनके जाल में पकड़े जाते हैं। कर्नल उन्हें अपने इकरान से उठाकर उस शिप में ले जाता है और उन सबको कैद करके वो जैक को अपने पास बुलाता है। जैक अकेले ही उसकी तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि उसने उसे अकेले ही बुलाया था, पर तभी अचानक से पाइकॉन इस शिप पर हमला कर देता है
और वहाँ पे तोड़फोड़ मचा देता है। ये देखकर जैक और उसकी सेना को भी हमला करने का मौका मिल जाता है और वो सब उन पे टूट पड़ते हैं। नेटेरी भी अपने इकरान पर बैठकर अब हमला करती है। इस अचानक हमले से वो संभल नहीं पाते हैं। वहाँ से कैद सारे बच्चे छूटकर भाग जाते हैं, लेकिन इस बार वो किट्टी को पकड़कर ले जाते हैं। वो शिप अब टूट रही थी और किसी भी वक्त वो डूबने वाला था। उसी लड़ाई में भागने के दौरान जैक के बड़े बेटे नेटेम को गोली लग जाती है और इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। जैक की बेटी किट्टी भी अब कर्नल के कब्जे में थी। वो और नेटेरी पूरे गुस्से में उसे मारने के लिए निकल पड़ते हैं और वहाँ शिप पे पहुँचते ही वो दोनों घायल शेर की तरह उन पर टूट पड़ते हैं और उन्हें बहुत ही बुरी मौत मारते हैं। लेकिन कर्नल किट्टी को चाकू की नोक पे रखकर जैक से उसका हथियार फेंकने को कहता है, लेकिन तभी नेटेरी स्पाइडर को मारने की धमकी देती है, जिसे डर कर कर्नल केटी को छोड़ देता है। जैक सबको वहाँ से जाने को बोलकर खुद कर्नल से लड़ने लगता है, लेकिन अब वो शिप पलटने वाली थी, जिसकी वजह से वो सब शिप के अंदर ही फंसने लगते हैं। जैक आखिरकार किसी तरह कर्नल को मार देता है और उसे वहीं पानी के अंदर फेंक देता है, लेकिन अब उसकी भी सांसें खत्म हो रही थी और उसे बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। और इधर नेटेरी भी अपने बेटी के साथ शिप में फंसी हुई थी, क्योंकि उसे भी बाहर निकलने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी नेटेरी के पास किटी आती है, जो उसे सही रास्ता दिखाकर बाहर ले आती है और जैक को उसका बेटा रॉक्स बाहर निकालता है। पर इसी दौरान स्पाइडर को कर्नल मिलता है, जिसे वो न चाहते हुए बचाकर बाहर ले आता है। कर्नल स्पाइडर को अपने साथ ही चलने को कहता है, लेकिन वो अपने लोगों के साथ रहने का डिसाइड करता है। वही मूवी के अंत में जैक के बेटे नेतेम को उनकी देवी एवा को सौंप दिया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।